आठ नंबर कीजिए, जल्दी आ जाओ, लेट हो जाएंगे। असी पहुंच गए। ये थैंक यू। बेशक वो इतिहास की सब तो मशहूर हस्ती हैं, 2 अरब तो ज्यादा लोग उन्होंने मनते हैं, जो दुनिया की एक तिहाई आबादी है। किसी भी होर इंसान तो ज्यादा कला और साहित्य विच इन्हां दा जिक्र है। टाइम मैगजीन ने इन्हां नूं हुण तक दा सब तो ज्यादा प्रभाव पाने वाला इंसान दस्या है। पर येसु कौन हन? कौन है येसु? मैनू लगता है मेरे ख्याल चो एक इंसान सन। परमेश्वर दे पुत्र सन। मैनू नहीं लगता कि येसु सचमुच कदे मौजूद सन। परमेश्वर दे पुत्र? जे मैनू पूछोगे तो मैं कहूँगा परमेश्वर ही। आम तो विंटर चेल्सी नाल खेडा है। जे तुसी बाइबल पढ़ो तो मैनू नहीं लगता कि इन्हां गल्लां ते तुसी विश्वास करोगे। सब कुछ वो कुछ भी हो सकते ने, पर मेरे लिए वो सब कुछ हर। येसु कौन है? सच कहूँ तो मैनू नहीं पता। मैं हूँ धार्मिक बंदी नहीं हाँ, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। शायद वो उद्धार करता हन। मैनू तो लगता है कि येसु हकीकत चे एक चंगे मनुख सन, ते वो कई बारे पहले आए सन, लोगों नूं बहुत चंगी सिक्ख्यावां दित्तियां, अते वो उत्थे ही अहम हो गए सारे नालों वध। मैं अपने जीवन के ज्यादातर वक्फे तक मसीही नहीं सा। मैं वकीलों ते बरिस्टरां दे परिवार तो आया हाँ। मेरे पिता एक वकील सन, मेरी माँ भी वकील सी, मेरी भैन एक वकील है, मेरे बेटे ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है, मेरी धी ने भी वकालत पढ़ी है, मेरे दादा नाना चाचा वकील सन। जे साडी बिल्ली भी होंदी तां शायद वह भी वकील ही बनती। मेरे पिता यहूदी सन, एक संसारिक यहूदी। वह यहूदियों के होलोकॉस्ट तो बच गए, उन्होंने परिवार के कई लोग उस नरसंहार विच मारे गए। मेरी माँ कदे भी चर्च नहीं जाती सी। मेरे पिता अपने आप नूं नास्तिक कहिंदे सन, अते मैं इस नतीजे ते पुजा के मैं एक नास्तिक नौजवान हाँ। मैं एक बहुत ही बहस करन वाला नास्तिक सा। इंज नहीं है कि मैं लोगों नूं नास्तिक बना दिंदा सा, लेकिन जे कोई मैनू मसीह बनाने की कोशिश करता सी तां इस विषय ते मेरे कोल कहण लई बहुत कुछ हुंदा सी। मैं बहुत ही शक परस्त मसीह सा। उन्हां दिनां मैं उन्हां चों एक या दो दे संपर्क च आया, तो उन्हां दी मुस्कुराहट वेख के मैनू बहुत शक होया। यूनिवर्सिटी दे पहले साल मेरे नाल दे कमरे विच मेरा एक दोस्त निकी ली रहिंदा सी, अते मैं उन्हूं मसीह दे खिलाफ चेतावनी दित्ती सी। मैं उन्हूं कहा सी भावें जो भी हो जाए उन्हां नूं कमरे विच ना आण दई। वह किसे नूं मिलिया ते एक वारी वह अते उहदी गर्लफ्रेंड हुण उसकी पत्नी सिला वापस आए, अते उन्होंने कहा कि वह मसीही बन गए ने। मैं हैरत च पै गया। मेरा मतलब वह इन्ने प्यारे बंदे सन, मैं सोचा मैं किवें इन्हां दी मदद करां। मैं सचमुच इस बारे कुछ नहीं जानता सी, तो मैं सोचा बेहतर है कि मैं इस बारे तहकीकात करा। मैनू किसी तरह एक पुरानी बाइबल लभी, मैं उस रात उसनू पढ़न लगा। मैं शुरुआत की नवे नियम दे शुरू तो मैं अंजील पढ़ी, मती दी, मरकुस दी, लोका दी। मैं यूहन्ना दी अंजील दे विचकार तक आया। तकरीबन सवेर दे 3 बजे मैं सौ गया। अगले दिन भी मैं पढ़ना जारी रखिया, पूरा दिन, अगले पूरे दिन। उस तो बाद मैं एक विद्यार्थी सा, मेरे लिए करन वर्गा कोई काम नहीं सी। अते नवे नीम दे अखीर च पुज के मैं इस नतीजे ते आया कि यह सच है। तुसी मसीहत नूं गणित नाल साबित नहीं कर सकते, तुसी इस नूं साइंस राही साबित नहीं कर सकते। साइंस अहम है, पर साइंस वक् ही सवालों का जवाब दिंदी है, जिवें कि दुनिया कद बनी अते किवें अपने वजूद च आई। लेकिन वो इन्हां सवालों का जवाब नहीं दे सकती कि कौन अते क्यों। मान लो मेरे कोल एक केक है जो कि मैं बनाया, मैं एक साइंसदान नूं दिंदा। वो साइंसदान इस सवाल का जवाब दे सकेगा कि एक किवें बनाया गया है। वो शायद ये भी दस सकन कि एक कदों बनाया गया है, पर केवल मैं तुहानूं दस सकदा कि किसने बनाया अते क्यों बनाया है। केवल केक नूं बनाउण वाला ही ये दस सकता है। मैं तुहानूं दस सकदा मैं केक बनाया अते मैं तुहानूं दस सकदा मैं क्यों एक केक बनाया। इहो इस कायनात बारे भी है। केवल सरजनहारा ही दस सकता है कि किसने दुनिया बनाई अते उसने क्यों बनाई। अते मसीहियत दा दावा एहो है कि उसने ए बनाई है। सरजनहारे ने आप खुदा नूं जाहिर कीता है, उन्होंने अपने आप नूं येशु दे रूप विच प्रगट कीता है। अते ए सबूत कोई वैज्ञानिक
सबूत नहीं है, केवल ए इस तरह का कला सबूत नहीं पर इतिहासक सबूत है। जब मैं एक बैरिस्टर सी, असी इसनू ही मानते सी, असी इतिहासिक सबूत लैके उसनू एक जूरी अगे पेश करते सी, ये वो गल्लां सन जो अतीत विच होईयां सन, वो उत्थे नहीं सन। जब भी जूरी किसी फैसले ते पुछदी है तां इह सबूत ते आधारित विश्वासदायक कदम हुंदा है। अते मैं आप मसीही नहीं हो सकता सां जे मैं विश्वास नहीं करता कि उत्थे सबूत है। मैं अख बंद करके निचा दा कदम नहीं रख सकता सां। मेरे लिए येसु ते निचा रखना विश्वास च एक कदम है जो ठोस इतिहासिक सबूत ते आधारित है। येसु नाल क्यों शुरू करो? शायद तुसी कहो मैं तो यह भी नहीं मानता कि परमेश्वर है, पर मैं परमेश्वर नूं मन्नन लगा येसु दे जरिए, क्योंकि येसु दा जी उठना बड़ी शिद्दत नाल दसदा है कि इस दुनिया दा एक सरजनहार है, अते इस सरजनहार नूं येसु दे लेंस राही वेख्या जा सकता है। यह मन्या जाता है कि येसु नासरी 2000 साल पहला इन्हां गलियां चों तुर के गया है, पर की कोई सबूत है कि वह कदे मौजूद सन? खैर, इस बाबत बथेरे सबूत हैं। कोई भी काबल इतिहासकार येसु दे वजूद तो इनकार नहीं कर सकता। रोमी इतिहासकार टेसिटियस अते सुटोनियस ने येसु बारे लिखे। यहूदी इतिहासकारां विच जोसेफस ने भी उन्हां दा वर्णन कीता। उन्होंने येसु नूं अद्भुत काम करन वाला दस्या। फिर बाद च ओह उन्हां दे सलीब चढ़ाए जाण बारे अते कथित जी उठण बारे दसदा है। इसलिए अंजील तो बार भी सबूत मौजूद हैं येसु दे वजूद दे, पर ज्यादातर सबूत जो मिलते हैं वह हैं अंजील दे अंदर। ते कई बार लोग कहते हैं खैर नवा नेम लिखा गया सी किन्ना ही चिर पहला, असी किवें जानिए कि जो लिखा गया है वह इन्ने सालों च बदल नहीं दिता गया? खैर जवाब यह है कि सानू बखूबी पता है एक विज्ञान राही जो कहता है कि शाब्दिक आलोचना पुराने वक्तों के लिखे गए लेखा दियां कापियां दी जांच करता है जो हुण हासिल हैं, ते वह वेखते ने कि समय का अंतराल मूल दस्तावेज अते सब तो पुरानी कापी विच जो साडे कोल है। वेख्या जाए तो साडे कोल जिन्नियां ज़्यादा हस्तलिपियां होणगियां अते जिन्हां तो सानू मिलियां होणगियां वह उसकी असलीयत ते उन्ना ही घट शक करनगे। तां आओ असी बाइबल की तुलना उस वेले के दूजे लेखा नाल करिए जिन्हां दा स्कूलां अते यूनिवर्सिटियां च ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आओ असी इतिहासकार हीरोडोटस अते थसीडाइडस वल वेखिए। इन्हां दोहां ने ईसा तो पहला 5वीं सदी च लिखिया है, पर उन्हां दी जिन्नियां भी किताबां जो साडे कोल ने उह 900 साल पुरानियां ने, जिन्हां दी वजह नाल 1300 साल का वक्फा आ गया है। उहदे बावजूद साडे कोल उस पांडुलिपि दीआं 8 कापियां ने। या रोमी इतिहासकार टेसिटस नूं वेखिए, साडी सब तो पहली पांडुलिपि अते उहदीआं किताबां विच 1000 साल का वक्फा है अते साडे कोल केवल 20 कापियां ने। एक होर मशहूर क्लासिक सीजर दी फ्रांस देश की लड़ाई, साडी पांडुलिपि अते किताबां लिखे जाण दे विचकार 950 साल का वक्फा सी। इहदे बावजूद साडे कोल इन्हां पांडुलिपियां दीआं 9 या 10 कापियां ने। एक होर किताब लिवी दी रोम दा प्रसिद्ध इतिहास, किताब लिखे जाण अते साडी पहली पांडुलिपि दे दरम्यान 900 साल का वक्फा सी अते साडे कोल इहदीआं सिर्फ 20 कापियां ने। पर जद गल नवें नेम दी आउंदी है तां गल बहुत ही वख है। नवां नेम तकरीबन 40 अते 100 ईस्वी दे विच लिखिया गया सी ते साडे कोल 130 ईस्वी दा पांडुलिपि दा सबूत है अते 350 ईस्वी दी पूरी पांडुलिपि दा। साडे कोल 5300 तों वी ज़्यादा ग्रीक पांडुलिपियां ने अते 10000 लैटिन अते 9300 दूजे तर्जमे हन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਫਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ FJA ਹਾਟ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੇਸੂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ?
देखो असीं जानते हाँ कि वह एक सिद्ध मनुख सन, वह इंसानी शरीर में सन, उन्होंने खाधा, उन्होंने पीता, उन्होंने पसीना बहाया, वह थके, उन्होंने दुख झेलिया, तो उन्होंने को इंसानी जज्बे भी सन, प्रेम, आनंद, दुख और इंसानी अनुभव भी। उन्होंने परिवार च वड्डे होने का अनुभव सी, सिक्ख्या का, काम करन दा, अते अजमायश पैन दा भी। उन्होंने कष्ट, दुख, सताए जाण दे, इत्थों तक कि मौत दे अनुभव नूं भी हासिल कीता। अज बहुत सारे लोग ये कहंदे हन ठीक है वह मनुख सन, लेकिन वह केवल एक मनुख सन, शायद वह एक महान गुरु सन, लेकिन इस तो वध कुछ भी नहीं। दूजे कहंदे हन वह इस तो भी वध सन। बैंड U2 दे प्रमुख गायक बोनो ने कहा है, मैनू नहीं लगता कि तुसी सौखे ही बख्शे जाओगे। ये कह के कि वह एक महान विचारक या दार्शनिक सन, वह ये कहते फिर रहे सन कि वह एक मसीहा है, इसलिए उन्होंने सलीम से कुर्बान होना पिया, उन्होंने सलीब से चढ़ना पिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरी नज़र से तो या तो परमेश्वर के पुत्र सन या एक पागल। तो मैनू यह मनना मुश्किल नहीं लग रहा कि लखां लोगों ने तकरीबन 2000 साल तक महसूस किया कि किसी पागल ने उन्होंने जीवन में छुया तो प्रेरित किया। मैं नहीं मानता। वो अगे कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि येसु परमेश्वर के पुत्र सन। हुण इस गल का की सबूत है कि येसु एक महान धार्मिक गुरु तो भी वध के सन? इस बहस के दो हिस्से हैं। पहला, येसु अपने बारे की सोचते सन? क्यों जो येसु नहीं मनते कि वह परमेश्वर सन तो बहस खत्म हो गई। पर जो ये कहते हैं तो बहस का दूजा हिस्सा है कि वह सही हैं तो येसु ने अपने बारे की कहा। पहला सबूत है सच्चाई तो यह है कि उन्होंने सिक्ख्या आप उन्होंने केंद्रित सी। ज्यादातर धार्मिक गुरु अपने आप को वख रखते हैं, वह कहते हैं मैनू ना वेखो, परमेश्वर नू वेखो। येसु जिन्होंने इंसानियत को नवा रूप दिता सी, लोगों को परमेश्वर दसते हुए अपने आप को दर्शाया सी, उन्होंने कहा सी मैनू वेखो। असी मतलब अते मकसद की खोज बारे गल की है, तो वह अजिहा जज्बा है जिवें कि एक आत्मिक भुख होवे जिसनू दूजियां गल्लां आसानी नाल नहीं मिटा सकदियां। येसु ने कहा मैं जीवन की रोटी हाँ, मैं ही हाँ जो आत्मिक भुख नू मिटा सकता है। साढ़े समाज च लत लग जाना एक वड्डी समस्या है। येसु ने कहा है जे पुत्र, दूजे शब्दों च जे पुत्र तुहानू आज़ाद करेगा तो तुसी सचमुच आज़ाद हो जाओगे। फिर भी असी इन्हां गल्लां नू चक्की फिरते हाँ, फिक्र, निराशा, आत्मगलानी, डर। येसु ने कहा हे सारे मेहनत करन वाले हो अते भार नाल दबे लोगो, मेरे को आओ, मैं तुहानू आराम देवांगा। येसु ने कहा जो मैनू कबूल करता है वह परमेश्वर नू कबूल करता है, जो मेरा स्वागत करेगा वह परमेश्वर का स्वागत करेगा। जिसने मैनू वेख्या है उसने पिता नू वेख्या है। माफी मसीहत दा मुख केंद्र है। येसु ने लोगों नू कहा तुहाडे पाप माफ हुए, हुण जे कोई तुहाडे खिलाफ पाप करता है तो तुसी उसनू माफ कर सकते हो। पर तुसी किसे दे कोल जाके ये नहीं कह सकते कि तुहाडे पाप माफ हुए। जब येसु ने अजिहा कहा तो इस फरीसी ने कहा सी परमेश्वर के अलावा कौन पाप माफ कर सकता है, पर येसु ने कहा सी कि वह अपना जीवन देने लई आए हैं तां जो लोगों के पाप माफ हो सकन। कुछ जाहिर दावे जो येसु ने किए हैं उन्होंने यूहन्ना की अंजील में लिखा गया है, अध्याय 10 वचन 30। येसु ने कहा कि मैं ते पिता एक ही हाँ। हुण इस तरह के दावे नूं धार्मिक गुरुआं ने एक अपराध के रूप में वेख्या। अपने आप नूं परमेश्वर के मुकाबले दसना एक अपराध है, तो इसकी सज़ा पथराव करके मार सुट्टण दी है। यहूदियां ने उसते पथराव करने लई फिर पत्थर चुके। तद येसु ने उन्होंने कहा मैं तुहानूं अपने पिता वालों बहुत चंगे काम करके विखाए हैं, तुसीं उन्हां चों किस काम लई मेरे ते पथराव करदे हो? उन्होंने कहा असीं भले काम लई तेरे ते पथराव नहीं करते, पर इस लई कि तू एक मनुख होके अपने आप नूं परमेश्वर कहिंदा फिरदा है। मैनू लगता है जब तुसी सारे सबूतों नू वेखो तो यह साफ हो जाता कि येसु ने यह कहा सी। यह हैरत च पाउण वाला दावा है अते इस तरह के दावे की जांच जरूरी है। जे तुसी इस बारे सोचो तो इस विच केवल तीन गल्लां मुमकिन हैं। यह सही नहीं सी अते येसु जानते सन कि वह किस मामले विच गलत साबित होए, या यह सही नहीं सी अते उन्होंने पता ही नहीं सी लगा उन्होंने सचमुच यह सोचा कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं। किस मामले च उन्होंने धोखा दिता सी? मैं कह सकता कि वह एक सन की सन। लेकिन तर्क के अनुसार एक होर गल मुमकिन है अते सच है कि वह सच कह रहे सन। C.S. लुईस कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर सन जो कि क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया के लेखक के रूप में मशहूर हैं। एक मनुख जो आम आदमी होवे वह अजिहियां गल्लां नहीं कह सकता जो येसु ने कहियां, यानी वह नैतिक गुरु सन। या तो सनकी होवेगा जां वह नरक दा शैतान होवेगा। तुहाडे लई चोण जरूरी है, जां तां वह मनुख परमेश्वर दा पुत्र सी अते है, या इस तो भी बत्तर सन।
लेकिन उन्होंने महान गुरु होने बारे सानू कोई भी बेवकूफी भरी गल नहीं सोचनी चाहिए। उन्होंने सानू अजिहा करन लई नहीं कहा सी, उन्हां दा ए इरादा नहीं सी। तां येसु ने अपने बारे जो भी कहा कि वह सही सी, उन्हां दे दावे दे समर्थन का की सबूत है? वेखो, पहला सबूत है उन्हां दी सिख्या। नवे नेम च कई बार अजिहा लिखा गया कि लोग उन्हां दीआं सिख्यावां सुनन लई इकट्ठे हुंदे सन। अते एक वारी अजिहे ही एक पर्वत उत्ते येसु दी सिख्या सुनन लई 5000 तों वी ज्यादा लोग जमा होए सन। पहाड़ ते दित्ते इस उपदेश नूं सारे समय दे शास्त्रियां ने स्वीकार कीता है। येसु दी सारी सिख्या साडी सभ्यता दी बुनियाद रही है। साडे कई नेम अते कानून येसु दी सिख्या ते आधारित हन। तू अपने गवांढी नाल अपने वांग प्रेम रख। जो भी तुसी चाहते हो कि लोग थोड़े नाल करन, तुसी भी उन्हां नाल उंझ ही करो। अते ओ पूरी तरह परिवर्तनकारी सन। अपने वैरियां नाल प्रेम रखो। दरअसल असी विज्ञान अते तकनीक दे खेतर विच बहुत तरक्की कीती है, फिर भी इन्हां 2000 सालां विच किसी ने भी येसु दी सिख्या विच सुधार नहीं कीता। ये हुण तक कहे गए सब तो महान बचन हन। इस तरह के बचनां नूं कहण दी उम्मीद तुसी परमेश्वर तो ही कर सकते हो। एक होर गल जो येसु दे जीवन नूं दर्शाउंदी है, वह है कमजोरां लई उन्हां दा प्यार। भुख्यां नूं खाणा खवाउणा, बीमारां नूं चंगा करना, उन्हां दे सतगुणां ने उन्हां लोकां नूं वी प्रभावित कीता जो अपने आप नूं मसीही नहीं कहिंदे सन। टाइम मैगजीन की अगर गल करिए तां उन्हां ने येसु बारे दस्सिया कि वह पाकीजगी, खुदगर्जीहीन अते प्रेम का सब तो अनोखा आदर्श सन। वह अजिहे मनुख सन जिन्हां ने अपने बैरियां विच वी कोई दोष नहीं वेख्या ते जिन्हां दे दोस्तां ने कहा कि वह पाप रहित हन। अजिहा आख्या जांदा कि साडा चरित्र असल च उस वेले परख्या जांदा जद साडे उत्ते कोई दबाअ हुंदा है। पर जब येसु नूं सताया जा रहा सी तां उन्हां ने कहा, हे पिता, इन्हां नूं माफ कर देना क्यों जो वह नहीं जानते वह की कर रहे हैं। दूजा सबूत है पुराने नेम की भविखबाणी का पूरा होना। किसी भी मनुख के बारे उसके जम्मण तो पहला ही इतिहास च लिखे वर्णन का पूरा ब्यौरा नहीं है। येसु ने पुराने नेम दियां 300 तो भी ज्यादा भविखबाणियां नूं पूरा किया। उन्हां च 29 भविखबाणियां एक ही दिन विच। इंज भी कहा जा सकता है कि वह एक बुद्धिमान इंसान सन जिन्हें जान बुझ के लोगों को भरमाया सी। उन्होंने सारिया भविखबाणियां पढ़िया तो सोचा कि ठीक है, मैं इन्हों तो लंघागा तो अपने जीवन च इन्हों सारिया पूरा करांगा। इस सिद्धांत बारे दिक्कत यह है कि सब तो पहला इन्हों की गिनती बहुत ज़्यादा है। फिर हकीकत यह है कि कई गल्लां ते उन्हां दा कोई ताना नहीं सी। उन्हां दी मौत, उन्हां नूं दफनाया जाना, बल्कि उन्हां दे जन्म दी थां बारे भी सही भविखबाणी की गई सी। एक बुद्धिमान इंसान कहिंदा फिर रहा, ओ मेरा जन्म तो बैतलहम च होना सी, हुण बहुत देर हो गई। इस दे बाद अखीरी सबूत, मौत ते उन्हां दी फतेह। येसु दा मुरदियां विच्चों जिउंदा होटना मसीहियत दी बुनियाद है। अते इस गल बारे सानू सारयां नू पता है क्योंकि असी सारे मरण वाले हाँ। यह अखीरी सत है, सारे लोग मरण वाले ने। अंतिम संस्कार करदे हो, कब्र नू जमीन च दफनाया जाता है। अजिहा जापदा जिवें सब कुछ खत्म हो गया। जब तक येसु दा मारिया जाना, दफनाया जाना अते फिर तो जी उठना नहीं होया, इस वेले मौत उत्ते फतेह हासिल की गई। पर की ये सोचा समझा कम है? मुर्दे तो जी उठना मैं ही सोचा सी। मैनू नहीं पता मैं हाँ या नहीं। हाँ, सानू पता है कि यीशु मरियां दे जी उठा। एक वैज्ञानिक दे रूप में मैनू लगता है कि यह नामुमकिन है। मैं मानता नहीं। हाँ, मैं जरूर मानता। मैनू सचमुच नहीं लगता कि येसु मुर्दियां चो जी उठे सन। हाँ, सच्ची मैं नहीं मानती ये होया सी कदे। नहीं, मैनू नहीं लगता कि येसु मरा ते जी उठा। ये तो बकवास है। मैनू लगता है ये सच नहीं है। ये एक तरह का प्रकट्रिप हो सकता है। हाँ, मैं मानती हाँ। मैनू विश्वास है कि येशु मूर्तियां चो जी उठे सन। उस दे नाल मेरे संबंध काफी सबूत है। मैनू नहीं पता, मैनू देखना पड़ेगा। मैनू बिल्कुल नहीं पता सच में। जी उठन बारे तीन सबूत मिलते हैं। पहला ये कि उन्हां दा ना रहना। अज तक किसी ने भी संतुष्ट रूप च नहीं समझा कि ईस्टर दे दिन येशु दा शरीर किवें कबर तो बाहर आ गया सी। लोगों ने कई तरह दीआं दलीलां दित्तियां हन। मिसाल दे लई शायद अधिकारियों ने उन्हां दी लाश चुरा लई होवे। वेखो, इस मामले जदों अजिहा बयान देन लगे कि वह मुरदियां चो जिउंदे हो गए ने तां उन्होंने साबित क्यों नहीं किया?
या शायद लुटेरियां ने उन्हां दी लाश चुरा ली होवे। पर जब चेलिया ने सुनिया कि येसू नू वेख्या गया है तो वह उस कबर वल दौड़े तो उन्होंने मिलिया कि कबर तो खाली नहीं है। दरअसल कबर के अंदर उन्होंने उसका कफन पिया मिलिया जिस च उन्हें लपेटिया गया सी। लुटेरियां लई जो इकलौती कीमती शै सी वह हुण भी उत्थे सी। कफन का कपड़ा कुछ इस तरीके नाल फट गया सी जिवें एक तितली अंडे चो बाहर आती है। अते जो कपड़ा येसू दे सिर ते बन्या हुंदा सी वह तय किया होया एक कोने च पिया सी। अते जद उन्होंने वेख्या तो निहचा कीती। दूजा चेलिया नाल उन्हां दी मौजूदगी येसू नू 11 तों वी वध वारी वेख्या गया। एक मौके ते 500 लोकां दी भीड़ दे कोल लोक कहिंदे ने ओ इह भ्रम भी हो सकता है। वेखो इह भ्रम बहुत ही तनाग्रस्त निराश या बहुत ही काल्पनिक सी या जो बीमार हन या ड्रग्स लैण वालियां विच हुंदा है। चेले इन्हां विचों किसे भी श्रेणी च नहीं आंदे। उत्थे थोमा वर्गे शक्की भी सन, उत्थे मछियारे भी सन, उत्थे चुंगी लैण वाले भी सन। चुंगी लैण वाले भ्रम च नहीं पै सकते। हुण करदे आं तीजे सबूत की गल, वह तब्दीली जो असी चेलियां च वेखी सी। इत्थे लोकां दा एक गुट सी जो पूरी तरह नाल भ्रम च पै गया सी या वह पस्त हौसला सन, उन्हां दा गुरु मर गया सी। फिर वह अचानक बदल गए, वह कहण लगे कि असी येसू नूं वेख्या है, वह सचमुच जिउंदे हन। ते वह हर किसी नूं कहण लगे। बाद च उन्होंने जो नेचर रखी सी उस कारण उन्होंने बहुत ही सारे मारे गए, सलीब ते चले, सताए गए, उन्होंने गर्दन कट दी गई। तो जो लोगों पर मार रहे सन तो उन्होंने बस इन्ना ही कहने की लड़ सी कि नहीं 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 ये सब सच नहीं है। पर उन्होंने कदे नहीं कहा क्योंकि वह जानते सन कि यह सब सच है। इसने उन्होंने जीवन पूरी तरह बदल दिता है। तो इसका सबूत से एक गैर मामूली इनकलाब जो सारी दुनिया में पूरी तरह पसर गया। मानसी इतिहास ये इनकलाब किसी पेशतर मिसाल तो बिना से। चौथा है, इस सब कुछ आज भी हो रहा है। पूरी दुनिया च 2.3 अरब तो भी ज्यादा मसीही हैं जो हर एक मजहब, देश, अर्थव्यवस्था, समाज अते विवेकपूर्ण बैकग्राउंड तो हैं। ते ओ सारे ही जी उठे येसू नाल मुलाकात दा जिक्र करते हैं। तां असीं येसू नूं की बना रहे हैं? मैनूं इह साफ लगता है कि येसू ने हकीकत च इह कहा सी कि ओ परमेश्वर दे समान हन। जद असी उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दे जीवन, उन्हां दे चाल चलन, उन्हां दी भविखबाणी दा पूरा होना, उन्हां दे पुनरुत्थान दे सबूतां वल वेखदे हां तां उन्हां नूं सनकी या धोखेबाज कहना तर्कशुदा बिल्कुल भी नहीं लगता। यह बिल्कुल ही तर्कहीन लगता है। दूजे पासे इह सब तो पुख्ता समर्थनकारी सबूत देंदा है कि येसू ने जो अपने आप बारे कहा उह सच है, बिल्कुल सच है। अते जद मैं सबूतों वल वेखदा, जब मैं अंजील पढ़दा तो मैं इस नतीजे ते पुछदा हाँ कि यह बिल्कुल सच है। मैं मसीही बनना नहीं चाहुंदा सी क्योंकि मैं सोचा सी कि जे मैं मसीही बन गया तो उस पल मेरा जीवन बहुत ही दुखदाई हो जाएगा। इसलिए मैं ना मनन की कोशिश की। मैं सोचा कि मैं मरदे दम तक भी मसीही नहीं बनूंगा। फिर मैं महसूस किया कि एक बौद्धिक तरीके नाल जायज़ नहीं होएगा। तो बहुत ही संकोच नाल मैं कहा कि ठीक है हाँ। अते उस पल मैनू हुण भी चेते है कि ए मेरे दिमाग तो निकल गया ते इत्थे मेरे दिल दे विच आ गया ए मनदे होए कि ए सच है। येसू नाल रिश्ते दा ए अनुभव सी। मैं अनजाने ही पूरा जीवन लभ रहा सां अजिही वस्तु जो मैनू जीवन लई अखीरी मतलब अते मकसद प्रदान कर सके। इस धरती ते इह सब तो अखीरी थां है जिसनू हासिल करना ही मेरी उम्मीद सी। पर उस पल मैं वेख्या कि येसू ने जो कहा सी वह सच सी। येसू ने कहा सी मैं जीवन देण लई आया हाँ, बहुतायत दा जीवन देण लई। ये सचमुच सत है कि परमेश्वर ने अपने आप नू येसू विच प्रगट कीता। येसू सचमुच ओयो हन जिस दा दावा करदे हन। येसू सचमुच मुरदिया चो जी उठे सन। इस जीवन तो परे भी उम्मीद है। इसे वेले इसे जीवन विच येसू दे नाल मुलाकात विच असी जीवन हासिल करदे हाँ। असी अते ओ भी बहुतायत विच जीवन हासिल करते हैं।